दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राघव ट्रेड लिंक के संचालक श्री किशन सरणा जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अनलॉक के बाद एक एक रियल एस्टेट क्षेत्र में काफ़ी बूम आ गया जी। आपके आप एक रिटेलर स्टॉकिस्ट हो सीमेंट के, सीमेंट भी एक मटेरियल कंस्ट्रक्शन में लगता है, तो आपके हिसाब से मार्केट का क्या रुख है उस बारे में बताइए। अनलॉक के बाद में रियल एस्टेट में खुद का मकान होना चाहिए, ऐसी एक मानसिकता बहुत लोगों के मन में जागी है। डिमांड बढ़ी है रियल एस्टेट में, डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि एक्चुअल यूज़र्स, पहले क्या था, कुछ टाइम पहले था कि इन्वेस्टर्स लोग बहुत इन्वेस्ट करते थे, अभी एक्चुअल बायर्स जिनको घर की ज़रूरत है, खुद के घर की जरूरत, जो किराए पर रहते थे, वो बहुत लोग घर अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। और नागपुर में काफ़ी टाइम से बहुत स्कीम अवेलेबल थी और अच्छे रेट्स में अभी नागपुर में मिल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आगे रियल एस्टेट में और तेज़ी आएगी, बहुत बूम आएगा, तो हर आदमी चाह रहा है कि राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज द हाउस। तो जो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हर आदमी अपना अपना खुद का घर खरीदना चाह रहा है, तो डिमांड ओवरऑल बढ़ी है पिछले 2-3 महीने में, आप देखेंगे तो काफ़ी डिमांड बढ़ी है और आगे भी डिमांड अच्छी रहेगी रियल एस्टेट में, उम्मीद चल रही है। रियल एस्टेट में तो बूम है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर देखा जाए तो कैश ट्रांजेक्शन जो है, जो पुरानी जो अपनी क्रेडिट जो अटकी थी, तो उसको कुछ फ्लो आगे बढ़ नहीं रहा, मतलब कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। आपका क्या एनालिसिस इस बारे? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तो आज भी है बॉस, अपन नहीं बोल सकते नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ा सा पेमेंट टर्म्स के कंडीशन की बात करें तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, पुराने पेमेंट्स आज तक पूरे क्लियर नहीं हो पाए लिक्विडिटी का थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा, उम्मीद चल रही है कि आने वाले 3 से 6 महीने में जैसे जैसे बिल्डरों का, रियल एस्टेट का, खुद का, अगर उनका जो होल्डिंग है वो कैश हो रही है तो उनकी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, तो उससे लिक्विडिटी थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने का उम्मीद लग रहा है। जब लॉकडाउन शुरू था, 6 से 8 महीने पूरा टोटल ट्रेड बंद था, कंस्ट्रक्शन लाइन भी टोटल बंद थी, वर्कर्स लोग चले गए थे, उस समय देखा गया कि सरकार की तरफ से आप लोगों को सिर्फ बैंक मॉनिटरिंग के अलावा कैश क्रेडिट इनपुट हो गया, वैसे लिमिट का हो गया, ये फैसिलिटी कुछ लोगों को मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, तो इसमें आपका क्या नजरिया एक प्रकार से? हाँ, इनिशियल जब लॉकडाउन के बाद जब वापस हुआ 3-4 महीने 6 महीने तो बहुत ही खराब रहे, यानी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि सही में चीज़ें लाइन पे आएगी कि नहीं आएंगी, बहुत लोग दुविधा में थे, बहुत लोग परेशान थे, बट सरकार की तरफ से तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाया और इसी कारण से नए प्रोजेक्ट्स कुछ चालू नहीं हुए, यानी आने वाले 5-6 महीनों में नए प्रोजेक्ट्स कुछ भी चालू नहीं हो पाए थे। उस कारण से उसका एक बेनिफिट ये भी हुआ कि नए प्रोजेक्ट नहीं आने से जो स्टॉक था अब जिसको चाहिए उसमें से एनकैश भी हो रहा है, तो धीरे धीरे एक्चुअल बायर्स और एक्चुअल लोग जब खरीदे मार्केट में आ रही है, तो इससे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी लिक्विडिटी बाजार में आना चाहिए एक्चुअल वैसे, बट गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक कोई ऐसा हमको भी नहीं लग रहा हमारे लेवल पे, यानी मीडियम क्लास, हायर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की कोई स्पेशलिटी कुछ ऐसा हुआ है जिससे लिक्विडिटी बढ़े या लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए। लॉकडाउन के दरमियान ये भी देखा गया है कि जब ट्रेड टोटली बंद था तो आप लोगों को वर्कर्स जो है उनको, स्टाफ को सैलरीज है और ये बाकी के जो खर्चे हैं ये तो GST ये है, बाकी GST का जो भी है वो तो आपको लगे थे जी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, तो उसके बाद में सरकार की तरफ से आप लोगों को एक उम्मीद थी, जब 20 लाख करोड़ रुपए SME को मिले थे, तो यहाँ के काफ़ी लोग, व्यापारी लोग यहाँ के हैवी वेट मंत्री गडकरी साहब से मिलने गए थे कि हम लोगों को कुछ रिलीफ पैकेज दिया जाए व्यापारियों को, लेकिन उनको सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। सही है, तो आप भी उन्होंने, आप लोगों ने भी कुछ किया था कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग कर रहे थे, हमारा बीच में सीमेंट एसोसिएशन के थ्रू भी कुछ इंटरव्यूज आप लोगों के चैनल पे भी लोग आए थे, लोगों ने कहा है, कमेंट किया था। 20 लाख करोड़ जो वर्ड है वो तो सिर्फ सुनने को ही मिला है, प्रैक्टिकल बात करें तो कहाँ गए, कैसे गए, किसको मिले है? मुझे नहीं लगता कि कोई आम जनता या जनरल पब्लिक को तो कुछ समझ आया भी होगा। और लॉकडाउन के बाद 4-5-6 महीने ऑलमोस्ट सभी को लॉस रहा, बहुत भारी नुकसान उठाया है, क्योंकि सैलरी सबकी चालू थी, हमने हमारे स्टाफ्स की कोई सैलरी कट नहीं किया कि 2 महीने के लिए स्टाफ की सैलरी काट दे, वो भी हम लोगों के भरोसे चल रहे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस चालू है, बैंक का ब्याज, बैंक के जो इंटरेस्ट है वो चालू है, उसमें कोई स्पेशलिटी छूट नहीं मिली, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कुछ अमाउंट छूट हुआ नहीं, बेसिक तो इंटरेस्ट तो चालू रहता है, ये रोटेशन नहीं घूमे तो प्रॉब्लम होता है, तो दैट वॉज लॉस, यानी 4-5 महीने तो बहुत लॉस रहे, सभी के लिए लॉस रहे, कोई भी मुझे लगता है हमारे फील्ड में जो है सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उम्मीद है आने वाले दिनों में थोड़ा मार्केट की डिमांड बढ़ने से काम धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कि आने वाले 6-8-10 महीनों में कुछ
स्ट्रीमलाइन हो। बिल्डर्स की जो अग्रणी संस्था है क्रेडाई, उन्होंने हमेशा सीमेंट मैन्युफैक्चर पे एक आरोप लगाया हुआ है कि ये लोग एक जैक बना के पर्टिकुलरली सीमेंट्स के रेट्स काफी बढ़ाते हैं, और देखा गया है कि तो इस तरह से जब एक आम बायर जब कोई चीज खरीदता है सीमेंट जैसी चीज अपने कंस्ट्रक्शन के लिए लेता है, तो आरोप आप लोग भी लगते हैं कि और आप लोग पास आउट करते कि मैन्युफैक्चरर ने ऐसा किया। ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है उससे एक आम पब्लिक को भी परेशानी होती है, और सेकंड थिंग इस बारे में निवेदन भी किया गया था गडकरी साहब से। गडकरी साहब ने भी कड़े शब्दों में कहा था मैन्युफैक्चरर ये जो ग्रुपिज्म जो कर रहे हैं तो उसको हम अपना ये करेंगे, उसको कुछ ना कुछ ये निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो आपके समय वाकई में ये सब कुछ हो रहा है क्या? कुछ हद तक कुछ तो हो रहा है, तभी इतनी सब बजते बाजार में आ रही है, और इतने सालों से हो रहा है। सीमेंट हम लोग एज ए डीलर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हमको आके लोग बोलते हैं आपने रेट बढ़ा दिया, आपने रेट कम कर दिया, तो हम बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ अपने एंड से कुछ नहीं करते। हम लोग को जब कंपनी से जो भी नोटिफिकेशन आ गया है, कंपनी से जो भी रेट्स में करेक्शन होते हैं या रेट बढ़ते हैं जिस टाइप, उस टाइप से हम भी हमारे रेट बढ़ाते हैं घटाते रहते हैं। लेकिन सीमेंट प्लेयर बहुत कम है ओवरऑल, दे आर अ वेरी बिग प्लेयर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनी हैं, और कम होने से कुछ हद तक ये चीज़ होती है कि रेट का इंक्रीमेंट कंपनियों के हिसाब से होता है। तो इस कारण से बीच में गडकरी साहब ने जैसे बोला भी था सीमेंट और स्टील के ऊपर, उन्होंने प्रत्यारोप लगाया भी था रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है थोड़ा बहुत। तो उनको भी मेंटे भी बोल सके, चार पाँच महीने उनकी भी इंडस्ट्री लॉकडाउन में रही तो बहुत तकलीफ रहा, तो उन्होंने उसका खामियाजे भुगतने के लिए पूरा बोझ हम पे आ रहा है ऐसा बोल सकते हैं। सीमेंट और स्टील में के रेट्स में जो उछाल होती है उसका खामियाजा बिल्डर्स को भी भुगतना पड़ता है, और अल्टीमेटली ग्राहक की जेब से जाता है, क्योंकि वो लोग बिल्डर्स को काफी रेट बढ़ा देते हैं। अब वो बिल्डर्स लोगों को पूछे तो बिल्डर्स सीमेंट पे डाल देते हैं, तो ये सीमेंट और स्टील में काफी तेजी है, तो इसके वजह से भी एक इम्प्रेशन गलत जाता है आपके सीमेंट्स के बारे में। एक ये धारणा बन गया एक्चुअली मार्केट में, बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गया, हर कोई यही बोलता है कि सीमेंट वालों की कार्टेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीमेंट वाले बहुत रेट बढ़ाते हैं। लेकिन आपको बताऊँगा रेट बढ़े हैं, नो डाउट बढ़ाते भी है, बट आने वाले तीन चार महीने अगर पिछले दो तीन महीने चार महीने में देखेंगे तो सीमेंट के रेटों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। वो टेम्प्ररी फेज पर कुछ बढ़े, वापस घट के लेवल पर आ गए, स्टेबल मार्केट जैसा चल रहा है। स्टील में रेट बीच में जरूर एक महीने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बट वो भी मार्केट अभी स्टेबल हो गया है, काफ़ी रेट उसमें करेक्शन आ गया वापस। कुमार साडा, संचालक राघव ट्रेडलिंग, नागपुर। हम सीमेंट स्टील बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय में लास्ट 15 सालों से हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे पास ब्रांडेड सीमेंट का हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। हमारे पास ACC, ओरिएंट, JK, एमपी बिरला, इंडिया सीमेंट, इनके हम यहाँ पे स्टॉकिस्ट और होलसेल में डील करते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हमारा ज़्यादा सेल है, बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम ज़्यादा डील करते हैं। तो किसी को अगर सीमेंट के लिए संपर्क जरूरत पड़े तो हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बल्क परचेज हम लोग बेसिकली बल्क परचेज में बहुत, यानी प्रोजेक्ट्स में हम लोग मेन डीलिंग करते हैं। किसी को भी प्रोजेक्ट्स के लिए कभी भी कोई सीमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो हमसे एक बार जरूर संपर्क करने की अनुरोध है।